हमारा मन तो कर रहा है वो वीडियो को जाके अच्छे से सुनाए। आज बहुत ही बड़ा बात बोल दिए वो दीदी के बारे में। बंद करोगी आग में घी डालना? अरे माँ जी, अब हमारे डब्ल्यूजी के बारे में सब नकारा नकारा कहते हैं ना, वैसा ऋतुराज बाबू के बारे में भी तो लोग कुछ कहते होंगे ना। अब देखिए आज वीडियो सुना के चला गया। स्वीटी, वो वीडियो का बात को मन पे लेने की जरूरत नहीं है बेटा। अम्मा, वो वीडियो गलत भी तो नहीं बोला ना। इस तरह बाप का घर में बैठे रहेंगे तो दुनिया तो बात करेगा ना। क्या हो गया जी, काहे गरमा रही हैं? दामाद जी, कहा है ना सुटे को एक आध महीना के लिए पटना लेके जा रहे हैं। देख नहीं रहे हैं? तब बाहर का लोग भी बोलने लगा है। पकला गई है का? इलेक्शन सर पे, समझ में नहीं आ रहा आपके? हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि आपकी जिंदगी में हम लोग का कोनो वजूद वजूद है कि नहीं है। जब देखो सुबह शाम रात खाली पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। अरे आप लोग काहे लड़ रहे हैं? ये हमरा समस्या है, इज्जत तो हमरा गया ना। ऋतुराज जी, आपको अच्छा लगा वो वीडियो का बात सुनकर? बोलिए ना। अरे अगर नहीं लगा तो आप तो चलिए यहाँ से। स्वीटी जी, आप ठीक ही कह रही हैं। भोरे पटना निकल चलते हैं। ससुर जी, देखिए हम झुमरी के इलेक्शन का तैयारी तो कर दिए हैं, सारा काम हो चुका है। चलिए स्वीटी जी, पटना जाने के लिए तो पैकिंग करनी पड़ेगी ना जी। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। और सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए, दामाद जी यहीं रहेंगे, जिसको जो कहना है कहे। कहा ससुर जी, अब तो कुछ कहने का सवाल ही नहीं बचने देते हैं। चलिए बाहर कल का प्लानिंग कर लेते हैं। अरे ठीक से लगाओ मोनू, राइट में थोड़ा राइट करो तो। मोनू ठीक से पकड़, हम आके मारेंगे। हमारा मूड बहुत खराब है आज। क्या हुआ मूड को तुम्हारे? आज धनतेरस है, दुनिया भर का लोग सोना खरीदेगा और हम काम को पापा पीला रंग का झुमका लेके आएंगे और हम सोना समझ के बहन मिलेंगे। पापा के पास सोना खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा? वही तो, गलत घर में पैदा हो गए हम। कोनो अमीर घर में पैदा होते ना तो दुनिया भर का सोना पहन के बैठ चुके होते अब तक। कहते तो हैं बाप बदल लो। नहीं हो सकता बहन, वोटर आईडी और आधार कार्ड पर भी पापा का नाम है अब। चुप, बेशरम हो एकदम। अच्छा ठीक है, ठीक से करो जरा, तुम ही आके कर लो ना, खाली ही तो बैठी हो। हेल्प तो कर ही रहना मौवा। गाइडेंस नाम का कोई चीज होता है कि नहीं? याद रखना कि काम करने वाला से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कराने वाला होता है। हमको एक बात बताओ जरा, कृषि मंत्री का खेती करता है हाँ, और परिवहन मंत्री गाड़ी चलाता है का? अभी कर दे रहे हैं, फिर हमको बीडीओ बाबू के यहाँ टिफिन भी लेके जाना है। अरे हाँ ठीक है। तुम काहे तकलीफ करोगी, हम चले जाते हैं टिफिन लेके। तुम अभी तो कह रही थी काम कराने वाला बड़का होता है। मौवा, वो कहा है ना कि हमसे तुम्हारा दर्द देखा नहीं जाता। तुम घर का काम करती हो, टिफिन पहुंचाने जाओगी, इतना सारा काम कैसे करोगी? और होने वाली मुखिया होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हारा हेल्प करें। दीदी, इतना ऊंचा विचार ये अचानक से तुम्हारे मन में कहां से आ गया? अब हमको बहुत देर हो रहा है, हम टिफिन दे आते हैं। मौवा, तुम घर की लक्ष्मी हो, अरे तुम अपना हाथ से घर सजाओगी ना तो लक्ष्मी माता कितना हैप्पी होगी, है कि नहीं? तो टिफिन हम पहुंचा के आते, ठीक है? उल्लू बनाकर चली गई। मालिक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। गए है कलेक्टर आपके, दिवाली है तो सबसे मिलना जुलना ना पड़ता है भाई। जी बिल्कुल। जरा भारी वाला दिखाना। अरे
अरे ये लीजिए माँ जी, बहुत ही खरा सोना है, जरा गला में पहन के देखिए ना। हाँ, हम अभी आते हैं। रुको, वो हार दो हमको तो। लाओ स्वीटी, देख ना तन की पहन के बेटा, अच्छा लगेगा। नहीं चाहिए अम्मा। अरे धनतेरस है रे, पहन ले बिटिया, काहे अपने ही घर को खुद पराया कर रही है। चल पहन के दिखा। अम्मा बहुत सुंदर लग रही। ये घर में बेटी और दामाद ही सब कुछ है, बेटा और पुत्र का तो कोई कदर ही नहीं है। ए गजवा वाली, वो तुम पे नहीं जचता, उसके लिए सूरत भी तो वैसी होनी चाहिए ना। एक ठो और अच्छा सा हार दिखाइए तो, हमरी बड़की दुल्हन के लिए। माँ जी आप कितनी अच्छी है। अरे भाई आप का सोच रहे हैं, एकदम भारी वाला दिखाइएगा। हाँ बहुत ही शानदार, हम दिखाते हैं। हाँ माँ, भारी सोना नहीं आदमी का औकात होता है। पापा हम धनतेरस में गोल्ड क्यों खरीदते हैं? बेटा अरे क्या बात है, होने वाली मुखिया आज यहाँ पर, क्या मऊआ नहीं आई? आ तो मऊआ ही रही थी, पर रुका है ना कि दिवाली का टाइम है, तो अगर मऊआ ही आ जाती तो घर कौन सजाता, इसलिए हम मऊआ को हुआ टिका कर खुद ही आ गए। अच्छा तो अभी से पॉलिटिक्स शुरू हो गया आपका? इसमें पॉलिटिक्स वाला कौन सा बात हुआ भाई, आप अपने आप को ही देख लीजिए ना, टिफिन का चक्कर में आप हमारे पापा का, हमरा और मऊआ का फुल शोषण कर रहे हैं। शोषण? शोषण का मतलब भी समझती हैं आप? हम कुछ गलत बोल दिए का? सारी है और थैंक यू भी। अब थैंक यू किस लिए? कहे ना कि आप हमरे लिए हवेली तक पहुँच गए थे। अरे का निमकी जी, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। आहा, मैंने प्यार किया। अरे 10 बार देखे हम ही फिल्म, मैंने प्यार किया। वो सब छोड़िए, ये बताइए हवेली पे काका हुआ, फुल ड्रामा वाला सीन हुआ होगा ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बैक फुट पर थे वो लोग, बिठा के हमको चाय नाश्ता कराए। आपको चाय नाश्ता कराया? मतलब कि आप हवेली के अंदर तक गए, फिर तो हमको आपके साथ ही चलना चाहिए था। अरे हम हवेली तक पहुँचे लेकिन अंदर तक देख भी नहीं पाए। मतलब आपको हवेली अंदर से देखना था? अरे कहाँ कहाँ चलता है आपका दिमाग भाई। हाँ मुंगेरी लाल जी, वो सतीश चंद्र का फाइल निकाल के रेडी रखिएगा। हाँ हम आ रहे हैं। जा कर रहे हैं? हम लोग सोना खरीदने जा रहे हैं, आज धनतेरस है ना। एक तुम्हारे पापा है अलीना और एक हमरे पापा है, हम तो सोना खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करो अलीना, हमको तुम्हारे जैसे पापा तो नहीं दिए भगवान, कम से कम उनके जैसा एक हस्बैंड तो दे दे। अरे वाह, ये सब तो बहुत अच्छा है, सब तुम्हारा है? नहीं मम्मी का है। वाह अरे ये तो बहुत सुंदर है, एक मिनट, कैसे लग रहा है हम पे? बहुत अच्छा। हाँ, हमरा किस्मत भी अगर अच्छा होता तो हम इसको पहन भी लेते। तो पहन लो। पहन ले? हाँ। का बात है निमकी, आज लग रहे हैं ना कुछ, काश हमरे पास ही सारा सोना होता। ये क्या कर रही हैं आप? आपको पता है ये गहने किसके? आपके भाई के। तो पहनने की हिम्मत कैसे की आपने? नहीं इतना सा गहना के लिए आप? शट अप, बकवास नहीं सुन रहा मैं, किसी का इमोशन का जरा भी कदर नहीं आपको।
अबू कहाँ देख रही हैं? उतारिए गहने और जाइए यहाँ से। पूरा लाइफ में आज तक हमारे पापा हमको ऐसे नहीं डांटते, और आप पापा मैंने निमकी को पहनाया था ये सब। कहाँ देख रहे हैं? थोड़ा सा रोए हैं इसलिए कम ब्यूटीफुल लग रहे हैं आज, नहीं तो दीपिका पादुकोण से कम नहीं है हम। अरे आराम से चलाइए गाड़ी, ब्यूटीफुल लड़की देख के नर्वस आई कहा जाते हैं आप लोग? एक तो डांट दिए, ऊपर से मनाने भी नहीं आए। इंसानियत नाम का कोनो चीज है कि नहीं? निमकी जी, निमकी नाम है का? का? तुमको हमारा नाम भी पता है? मतलब हम इतना फेमस है? बंद है। नहीं नहीं, वो पीछे से पुकार रहे हैं। निमकी जी सुनिए तो, निमकी जी आई एम सॉरी, निमकी जी प्लीज रुकिए। अरे रोकना यार ऑटो। बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारे वाइफ का हम गहना पहनेंगे तो तुम हम पे चिल्लाओगे का? नहीं ना, ये बड़का लोग के पास रुपया पैसा कहाँ आ जाता है, दिमाग ही खराब हो जाता है इनका। अरे आगे देख के चलाइए ना। निमकी जी आई एम सॉरी, हम मानते हैं हम बेकारी गुस्सा किया आपका, एलिना ने हमको सब कुछ बता दिया है। अरे यार रोकना यार। अरे गाड़ी कहाँ रोके? तुमने ऑटो रिक्शा में इतनी ब्यूटीफुल लड़की बैठी है और एक अनजान आदमी पीछा कर रहा है, तुमको तुम्हारा फर्ज नहीं पता का? इका है निमकी जी, गलत बात। तुम जाओ यार, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और एक काम करो, ये लो पैसा। खबरदार, जो पैसा लिया तो चुपचाप चले जाइए, नहीं तो बता दे रहे हैं। अब बात है ई हुआ रे बात, दियो मेरे लाल। और खबरदार जो दोबारा पीछा किया, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम नहीं जानते ये के नाम है इसका, हमारा गर्लफ्रेंड है। का तुम लोग और हम लोग को मैच है का? देखो बाबू कुत्ता पाल लेना, लेकिन गलत फहमी कभी मत पालना, समझे? अरे फूटो यहाँ से, तो चप्पल उतार के मारेंगे तुमको। पैसा दीजिए इसको जरा, दीजिए एंड कीप चेंज। भाड़ यहाँ से निकलो, गर्लफ्रेंड निकलो यहाँ से, गर्लफ्रेंड है इसमें हंसने वाला कौन सा बात है? एक तो टिफिन लेके आओ, ऊपर से डांट भी खाओ। अरे वीडियो का बन गया, सबको समझते क्या है आप? अच्छा तो बताइए आपको कैसे मनाया जाए। चांदनी फिल्म में ऋषि कपूर वाला सीन देखे हैं? अरे ऋषि कपूर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाता है श्रीदेवी पर। इतना बजट तो नहीं है हमारे पास। बजट नहीं है, अब फालतू का स्टाइल मारते हैं। मालिक मालिक, ये दो तरह का लाइट लाए, पूरा दुकान जगमगा देंगे, पर इसका प्लेसमेंट कैसे करना है हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वाला से हमरा हाथ पैर बांध दो ठीक है, और वो वाला से हमरा गल्ला बांध के स्विच ऑन कर दो, बना लो दिवाली हमरे लास्ट पर। मालिक पहला हाथ बांधना है के पैर? अरे जाइए महाराज अपना काम कीजिए, हम आते हैं ना बताएंगे क्या करना है। आए दो तरीके का लाइट काहे ला है, चार पांच तरीके का लाइट लाइए। बट चार पांच तो चाचा आप काहे परेशान हो रहे हैं चाचा? अरे परेशान न हो तो क्या करें, कमर मटकाए हैं। अरे एक कोठो काम ढंग से नहीं हो रहा है, ऐसे जीतेंगे इलेक्शन? बैठे बैठे चाचा, जानते हैं मामला गंभीर है। भाषण देने गई थी तो बेहोश होके गिर गई, बात विवाद झुमड़िया से करना था तब बुला लिया बब्बू सिंह को। ना ना चाचा, इसमें निमकी का बिल्कुल भी गलती नहीं है,
अरे उसको तो वीडियो बाबू आइडिया दिए थे कि तत्तर सिंह को चैलेंज करना। अरे वो तो निमकी का बड़प्पन है कि अपना बाप का उम्र का आदमी को छोड़कर अपना उम्र के आदमी को चैलेंज किया, बब्बू सिंह को बुलाई। चुप, ज्यादा उसका तरफदारी मत करो तुम। अच्छा देखिए, बब्बू सिंह तो बहसबाजी के लिए आएगा नहीं, हम क्या कहते हैं कि निमकी का एक और ही भाषण रखवा देते हैं। इवन निमकी बेहोश नहीं होगी, पक्का गारंटी। मतलब एक और नया कपड़ा है, अब बस हो गया, अब हम कोई कपड़ा उपड़ा नहीं सिलवाने वाले हैं। बता देना निमकिया। डन 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 डन। ठीक, अगर निमकी नया कपड़ा मांगी तो हम सिलवाएंगे अपना खर्चा से, अपना जेब से। देख कह रहे हैं चाचा, अब हमारा फीलिंग तो आप जानते ही है का है निमकी के लिए। अच्छा, आप हमको प्रॉमिस किए थे हाँ कि आप निमकी से हमारा शादी करवाएंगे, याद है ना? अरे एकदम याद है, पहले उसको इलेक्शन तक जितवाओ। सुन रहे हैं टुनवा, सारा खेल मुखिया पद का है, समझे कि नहीं? आराम से भाई, आराम से। अरे कोई देख कहीं नहीं रहा है। अरे डॉक्टर साहब बैठिए, यहाँ बैठाइए, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे भैया देखिए जरा इनको, इनका सर पे चोट लगा है। रुई लगा के बैठो, डॉक्टर साहब आ रहे होंगे। रुई लगा के बैठोगे का मतलब है? हेडफोन है का जो लगा के बैठ जाए, गाना सुने? दिख नहीं रहे सर पे चोट लगा, कितना खून बह रहा है। हां तो बोल रहे हैं ना डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हां और तुम फोन पे बैठ के वीडियो देखो। अरे जानते हो कि कौन है? वीडियो है यहां के। अरे अभिमन्यु जी क्या हुआ? ए पेशेंट देख के बात क्या करो, क्या बकलोल की तरह देख रहे हो? चलो लेके फॉरन का ड्रेसिंग करो, चलो चलिए चलिए पीजे संभाल के। आइए सर, सर उड़ धीरे से, आराम से आराम से आराम से, चलो संभाल संभाल करो, चलिए चलिए। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिएगा, लगता है सर पे बहुत चोट आया है और खून भी बहुत बहा था। चिंता वाला बात तो नहीं है ना? खून तो बहुत ही ज्यादा बह गया है, ऐसा कि खून चढ़ाना पड़ सकता है। वैसे इनका ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप वो तो हमको नहीं मालूम, इनका खून का जानकारी किसको होगा? अलीना? अरे नहीं नहीं वो तो घबरा जाएगी। मुंगेरी लाल जी, हेलो मुंगेरी लाल जी। अनिम की बोल। एक तो इम्पोर्टेंट काम था। अरे बीडियो बाबू को थोड़ा चोट लग गया है। का? अरे आराम से भाई, इतना तो उनका वाइफ भी रिएक्ट नहीं की होगी। ये सब छोड़, ये बता सर को चोट कैसे आया भाई? अरे वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम उनको अस्पताल ले आए हैं, खून का जरूरत पड़ सकता है। आपको उनका ब्लड ग्रुप मालूम है का? अरे हमको कैसे मालूम रहेगा भाई। हाँ लेकिन डिटेल होगा, हम अभी फाइल चेक करके बताते हैं। एक मिनट रुक, एक मिनट। हाँ निमकी, ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। हाँ और आपका? हमरा हमरा क्या है भाई? हाँ, हाँ, तो समझ में आया, लेकिन हमरा में वो रूम में पुरनका अलमारी में होगा, मैं भी देखते हैं। का? आपको आपका ब्लड ग्रुप नहीं मालूम? अरे रहने दीजिए, आप एक काम कीजिए, आप बीडियो बाबू के घर जाइए, अलीना हुआ अकेली है, ध्यान रखिएगा उसका जरा। अरे निमकी का फरमाइश ही गजब है। आप फरमाइश पूरा भी तो करते हैं। बेटा देख तो कौन है। दीदी का नाम लिया और फोन में आ गया उसका। क्या हुआ, कहाँ हो? पापा को फोन दो, बहुत जरूरी काम है। दीजिए, दोनों नया फरमाइश होगा। हाँ निमकी। हेलो पापा, पापा क्या बात कर रही हो, कैसे? अरे बीडी बाबू ठीक है ना? पापा सब डिटेल में बताने का टाइम नहीं है, आप पहले ये बताइए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ग्रुप मतलब? अरे ग्रुप मतलब ग्रुप पापा, जैसे ए बी सी डी होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। अरे बहुत साल पहले हमको डॉक्टर बताए तो था। हाँ तो फिर बताइए ना आपका ब्लड ग्रुप का है। अरे अभी तो याद है नहीं है। आपको भी अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता? चलिए छोड़िए, महुआ से पूछिए, महुआ का है। ए महुआ, तुमको याद है अपना खून का नंबर? नहीं तो? अरे महुआ को भी नहीं मालूम है। क्या? आपको तो पूरा फैमिली ही बेकार है।